नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सामूहिक संपर्क सभा का 805वां सत्र आयोजित। रौरकेला स्टील प्लांट में राष्ट्रीय वृत्तिगत स्वास्थ्य दिवस का पालन। और रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। गोपबंधु ऑडिटोरियम में 11 जुलाई को आंतरिक शक्ति के जागरण द्वारा परिवर्तन और रूपांतरण की परियोजना विषय पर 805वां सामूहिक संपर्क सभा आयोजित किया गया। महाप्रबंधक परियोजना श्री एस के बेहरा ने सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक यूटिलिटी श्री सी आर महापात्र भी मंच पर उपस्थित थे। आरएसपी के विभिन्न यूनिटों के अनेकों वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी वर्गों के कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। श्री बेहरा ने अपने संबोधन में आरएसपी कर्मी समूह को मिलों के 100% क्षमता उपयोग के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया, जिससे संयंत्र के बॉटम लाइन में सुधार किया जा सके। सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं के पालन करने के संबंध में उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य दुर्घटना मुक्त स्टील का उत्पादन होना चाहिए। चल रही हॉट स्ट्रिप मिल परियोजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मिल आरएसपी के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभा को संबोधित करते हुए श्री महापात्र ने कहा, हालांकि आरएसपी लाभप्रदता के मार्ग पर है और अनुकूल इस्पात बाजार का लाभ उठाने के लिए उत्पादन मात्रा में और सुधार किया जाना चाहिए। सुरक्षा, पर्यावरण और पानी की खपत जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में लगातार सुधार की जरूरत है। प्रारंभ में वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अवसर पर आरएसपी के सीईओ श्री अश्विनी कुमार के संबोधन पर एक वीडियो दिखाने के बाद आरएसपी के सेल उदय पहलुओं पर आरएसपी के सीईओ श्री अश्विनी कुमार का ऑडियो विजुअल संदेश और राहें जो प्लास्टिक को हाँ कहते हैं नामक एक लघु वीडियो फिल्म के साथ साथ सुरक्षा पर दो छोटे छोटे वीडियो भी इस अवसर पर दिखाया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ओसीटी सुशी बरखा शर्मा एवं ओबीपी के ओसीटी सुशी कुनीरानी विश्वाल ने प्लांट एवं टाउनशिप के कार्यकारिता के विभिन्न पहलुओं तथा कर्मचारियों के सुझावों के हस्तक्षेप और स्थिति पर विस्तार से कहा। जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया मीडिया कवरेज नामक खंड में मई 2018 में मीडिया में प्रकाशित आरएसपी के विभिन्न सफलतापूर्ण प्रयासों के घटनावलियों को भी दिखाया गया। इसके बाद विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने प्लांट के उत्पादन, उत्पादकता एवं अनुरक्षण मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। एचआरडी के सहायक प्रबंधक श्रीमती अन्नपूर्णा बेहरा ने सत्र का संचालन किया, जो एक संकल्प ग्रहण समारोह के साथ समाप्त हुआ। रौरकेला स्टील प्लांट के वृत्तिगत स्वास्थ्य सेवा केंद्र ओएचएससी में 9 जुलाई को राष्ट्रीय वृत्तिगत स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री राजीव अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। विभिन्न विभागों के लगभग 60 कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में इस दिवस के विषय BOHS मूल वृत्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। आरएसपी के संयुक्त निदेशक प्रभारी शल्य चिकित्सा डॉक्टर आर के बेहरा सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने वृत्तिगत संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय वृत्तिगत स्वास्थ्य केंद्र ROHC कोलकाता के वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सी के प्रधान ने एनर्गोमिक्स का प्रबंधन विषय पर अपना वक्तव्य दिया। DMO OHSC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने मूल वृत्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं पर कहा। रौरकेला के दो प्रख्यात व्यक्तित्व तथा IAOH भारतीय वृत्तिगत स्वास्थ्य संघ उड़ीसा शाखा के वरिष्ठ सदस्य आरएसपी के भूतपूर्व निदेशक प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर DN महापात्र एवं आरएसपी के भूतपूर्व सहायक निदेशक डॉक्टर राहसा बिहारी महापात्र को वृत्तिगत स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। प्रारंभ में वरिष्ठ उप निदेशक प्रभारी OHSC एवं IAOH उड़ीसा शाखा के
सचिव डॉक्टर तरुणादित्य मिश्र ने लोगों का स्वागत किया और आरएसपी के ओएचएससी की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ओएचएससी में आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ओएचएससी के ओएचटी श्री केसी प्रधान ने कार्यक्रम का संचालन किया। रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल विभाग में हाल ही में आयोजित एक समारोह में उप महाप्रबंधक आरसीएम श्री ए के घोष ने वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री प्रफुल्ल कुमार साहू को अप्रैल 2018 माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी, यूनिट कार्मिक प्रतिनिधि और विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री घोष ने श्री साहू के समर्पण और उनके द्वारा उठाए गए कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। उल्लेखनीय है कि श्री साहू को 100 टन तप्त धातु रेल वजन पुल बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सों की व्यवस्था के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उपप्रबंधक कार्मिक श्री जयंत दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।